नमस्कार किसान भाइयों, आसान खेती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम यशवंत प्रजापत है और आज हम कपास की एक ऐसी मुख्य समस्या के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है और आखिरी में किसान भाई हार्ट टेक देता है कि अब इसका कोई समाधान नहीं है, अब जो आ गया सो आ गया, नहीं आया तो जाने दूँ। लेकिन किसान भाइयों, अगर हमको उसकी समस्या का पता चल जाए, समस्या की जड़ तक अगर हम पहुँच जाए तो हो सकता है कि उसका कुछ ना कुछ समाधान निकल आए और हम हमारी फसल को मरने से बचा लें और उससे कुछ ना कुछ उत्पादन तो हम ले सकें। कम से कम जितना लगाया है उतना तो हम निकाल पाए, अगर इतना भी हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो आज मैं जिस समस्या की बात करने जा रहा हूँ, आपने देखा होगा आपके खेत में ये इस प्रकार के पौधे, इसमें ऐसा लगता है कि पानी की कमी के कारण पौधा मुरझा रहा है। सबसे पहला डाउट ये है कि इसमें ज़मीनी कीड़ा होगा जिसने पौधे की जड़ें काट दी होगी या फिर जड़ों का फंगस होगा। ये इस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में रहते हैं। तो इसमें क्या समस्या हो सकती है और इसका समाधान क्या है, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो देखिए किसान भाइयों, अगर हम इसकी समस्या के बारे में बात करें तो इस फसल में इसकी मुख्य समस्या न तो वाइट ग्रब है, न मतलब कोई ज़मीनी कीड़ा भी नहीं है और ना ही कोई फंगस है। आप जैसे कि इसको देख सकते हैं, अगर हम पौधे को उखाड़ के भी देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगा हुआ है और ना ही इसमें कोई ज़मीनी कीड़ा है। अगर ज़मीनी कीड़ा होता तो यहाँ से ये तना कटा हुआ रहता, ये सिर्फ इतना ही ऊपर आता है, इसकी पूरी ये जड़ें लंबी नहीं आती। तो इसमें फिर क्या समस्या है, आप जैसे कि देख सकते हैं इस पौधे में ये जो मूल जड़ है ये तो पूरी तरीके से स्वस्थ है लेकिन सहायक जड़ें बिल्कुल भी नहीं है। पौधे में वाइट रूट जोन जो पौधे के लिए भोजन बनाता है उसका विकास पूरी तरीके से रुक चुका है, जिसके कारण पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और इसको भोजन भी नहीं मिल रहा है और इसी के कारण पौधा मरने जैसी अवस्था में आ चुका है। तो इसका जो वाइट रूट जोन है, अगर हम इसका विकास वापस से चालू करवा दें तो उम्मीद है कि पौधा हमारा वापस से खड़ा हो सकता है, या फिर इतना है कि जो पौधे मर चुके हैं वो तो मर चुके हैं लेकिन नए पौधे वापस से मरने की अवस्था में नहीं आएंगे। तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, एक तो ये है कि हम वापस से पौधे की जो सफ़ेद जड़ें बनने लगे इस प्रकार के टॉनिक का उपयोग करेंगे, जैसे कि हम यूमिक एसिड का और मिक्स माइक्रोटेन का साथ में उपयोग कर सकते हैं। और अगर हमें फंगस के ऊपर डाउट है कि यार फंगस के कारण हमारे पौधे मर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप इसमें ब्लू कॉपर आधा किलो प्रति एकड़ के साथ में 3 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से अगर आप उपयोग करते हैं ड्रिप की सहायता से, तो अगर कोई होने वाला फंगस है तो वो भी रुकेगा और साथ ही साथ आपका पौधा वापस से विकास करने लगेगा। तो अगर हमें फंगस का डाउट है तो ब्लू कॉपर प्लस यूरिया और उसके बाद में हम यूमिक एसिड प्लस मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करेंगे। देखिए इसमें और भी कई सारे पौधे हैं इस प्लॉट में जिनकी हालत ख़राब हो रही है। देखिए जैसे ये पौधा मुरझाने की स्थिति में आ चुका है, ये देखिए ये पौधे की भी हालत ख़राब हो रही है। और भी ऐसे काफ़ी सारे पौधे आपको प्लॉट में मिल जाएंगे जिनकी हालत ख़राब हो रही है। ये देखिए ये पीछे की साइड में ये पौधा, इसके नीचे से पत्ते झड़ने लग चुके हैं और ऊपर से भी अब इसकी जाने की अवस्था हो चुकी है। तो ये जो पौधे हैं इनका सिर्फ एक ही कारण है कि इनका विकास वाइट रूट जोन बनना पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो अगर हम इसका विकास करवा देते हैं तो पौधा वापस से स्टार्ट हो सकता है। और भी अगर आपके पास कोई अच्छे उपाय हैं जिसके कारण कि आपके पौधे की वाइट रूट जोन स्टार्ट हो जाए तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी एक समस्या देखने को मिल रही है कि जो अपने जो कपास के पत्ते हैं इनमें एकदम रूखापन है, पौधे में एकदम कलर नहीं है शाइनिंग जैसा, जैसे कि ये पत्ती है ऐसी बाकी पत्तियां नहीं है, कपास एकदम रूखा रूखा सा दिख रहा है। अगर ये समस्या आपके खेतों में है तो इससे भी क्या होता है कि अगर पत्तियों का कलर फीका पड़ जाता है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं कर पाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कपास भी एकदम हरा भरा हो जाए, एकदम ग्रीनरी आ जाए और पौधा वापस से अच्छी चाल पकड़ ले, तो इसके लिए आप जिंक 39.5% जिंक ऑक्साइड सल्फेट जिसको बोलते हैं उसके जिंक का उपयोग करना है 20 ml प्रति 15 लीटर पानी की दर से, और इसके साथ में आपको लेना है 50 ग्राम यूरिया। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपका जो कॉटन की फसल है एकदम ग्रीनरी पकड़ेगी, हरी भरी हो जाएगी, जिसके कारण पौधा वापस से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी एक्सीलेंट तरीके से कर पाएगा और आपके फूल और फलों को बहुत अच्छे से पोषित करेगा और फसल लास्ट तक आपको हरी भरी दिखेगी। जिंक 39.5% वाला जिंक ऑक्साइड सल्फेट 20 ml प्रति पंप, उसके साथ में 50 ग्राम यूरिया आप इसका उपयोग करके देखिए, वो क्या करेगा आपकी जो पत्ते की मोटाई है इसको भी बढ़ा देगा, जिसके कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ेगी और एक्सीलेंट आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।